बेटा शादी तो होने दे, माँ बेटी को फौरन ठिकाने लगा देना। आज खूबसूरत लग रही है। सुबह से काम कर करके थक गई हूँ, पसीने में हो गई हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अच्छा खासा मेकअप करके आई थी, अम्मी ने आते साथ काम पर लगा दिया। इन्हें बेटे की ख्वाहिश है और बेटे की ख्वाहिश पूरी करना मेरा अख्तियार तो नहीं है। एक बात तुम भी याद रखना, मैं तुम्हारा कर्जा नहीं निपटाऊंगी। देखो मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, बड़ों से कैसी बात की जाती है, बदतमीज। क्या, कौन से अस्पताल में है ज़ैनी? अरे तुम कहाँ जा रही हो, नाश्ता करो बैठ के। हाँ हाँ बैठ जाओ, तुम्हारे बगैर ना तुम्हारे मियाँ के हलक से चाय भी नहीं उतरेगी। तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया है कि माँ के सामने जरा भी हया नहीं रही। अम्मी अब मैंने ऐसा क्या कह दिया है? अब तुम यहाँ खड़े होके क्या सुन रही हो, जाओ मेरे कमरे में जाओ, चने रखे ला कर दो, मुझे भूख लग रही है बहुत। तेरी बीवी तो इतना बस जायका खाना बनाती है ना कि दो निवाले खाने के बाद दिल ही नहीं चाहता खाना खाने को। अम्मी आपको पता तो है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो काम कर लेती है बहुत है। आए है, कौन सा उसे नवा महीना लग गया है जो तू इतनी फिक्र कर रहा है। ज्यादा हिमायत ना किया कर अपनी बीवी की, अभी छठा महीना ही हुआ है। अरे हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, बड़े नाज उठा रहा है तू तो, और वैसे भी एक वक्त का खाना तो ज़ैनी बनाती है। अच्छा अम्मी मैं जा रहा हूँ। अब कहाँ जा रहे है? अरे आज तो इतवार है, घर में रहे। ऑफिस के कुलीग से मिलना था, एक काम है, थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ, अंदर आओ। चल आओ बेटा आओ। कैसे हो, काफी दिनों के बाद चक्कर लगाए। अरे पप्पू मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। मैं ठीक हूँ, दो तीन दिन से मैं तुम्हें याद कर रही थी। अरे पप्पू बस क्या बताऊँ, दरअसल काम में बहुत मसरूफ था इसलिए चक्कर लगाना नहीं हुआ। अब भाई की तबीयत कैसी है, अब तो वो भी चक्कर नहीं लगाते। हाँ पप्पो आपको पता तो है उनकी तबीयत खराब रहती है, इसलिए घर से बाहर निकलना ही नहीं होता, लेकिन आपके बारे में पूछ रहे थे वो। अच्छा, और हमारी भाभी कैसी हैं? वो तो भूल ही गई हैं, बिल्कुल याद नहीं करती। अरे नहीं नहीं पप्पो, अम्मी आपको याद करती हैं, बल्कि कल ही आपके बारे में पूछ रही थी। आप हमारे घर पर चक्कर लगाए ना। देखें आपको पता तो है आने जाने से ही रिश्ते बनते हैं, आप आएंगी तो अम्मी भी खुश हो जाएंगी। आऊंगी बेटा, क्यों नहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी, बस जरा ये घर के झमेलों से फुर्सत मिल जाए ना। वैसे पप्पू घर बहुत सुनसान लग रहा है, खैरियत? अयाज दोस्तों में गया हुआ है बेचारी, हमारी ज़ैनी अपने काम में लगी हुई है, हर वक्त किचन में मशीन की तरह लगी रहती है, मुझे तो हॉल होता है। और भाभी? उसका तो पूछो ही मत, या तो मियाँ के साथ बाहर घूमती फिरती है या सारा दिन कमरे में सोती रहती है। एक मेरी बच्ची है जो हर वक्त काम में लगी रहती है। अच्छा तुम बैठो, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं पप्पो आप बैठे, मैं खुद जाके ज़ैनी से मिल लूंगा, आराम से बैठे। चलो ठीक। आपको मालूम है आज इसकी टीचर मिली थी और माशाल्लाह से इसकी बहुत तारीफ कर रही थी। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह भाई, ये घरेलू बीवियों का ना ऐसे ही प्रोग्राम देखने चाहिए। पता है तुम्हें याद कर रही थी कब से मैं, ये बताओ तुम्हारा नंबर क्यों बन जा रहा है, कब से फोन कर रही हूँ मैं। हाँ यार वो एक्चुअली मेरा मोबाइल हेना के पास है। हेना के पास? तुम्हारा मोबाइल हेना के पास क्या कर रहा है? अरे इसमें हैरानगी की क्या बात है,
मेरी बहन है, मैं चाहूँ तो उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं बहुत बोर हो रही हूँ घर में बैठी बैठी, हम कहीं डिनर पे चले। क्या यार, मैं बाहर के माहौल से उकता कर तुम्हारे पास आया हूँ ताकि पुरफिजा माहौल में तुम्हारे साथ बैठूं, और तुम मुझे फिर बाहर जाने का कह रही हो। पुरसुकून माहौल और मेरे घर में, जब से मेरे भाई की शादी हुई है ना, मुझे तो मेरे घर में सुकून नहीं मिलता। वाह भाई, तो बड़ी अजीब सी बात नहीं है। हाँ बको मत, ये बताओ कि खाना क्या खाओगे। एक काम करो, पहले चाय और शामी कबाब ले आओ, फिर डिनर का मेन्यू बताऊंगा। देखो आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज स्कूल में मीटिंग थी, तो जरा कम चीजें बताना। यार तुम हमेशा मुझे खाना खिलाने के टाइम पे क्यों थक जाती हो? अच्छा बताओ क्या खाओगे, बना दूंगी तुम्हारे लिए। ये लो तुम टीवी देख लो, मैं कुछ बना दूँ तुम्हारे लिए। सब मूड ऑफ मत करो यार, थक गई हूँ आज मैं बहुत। अम्मी वो ट्रेनिंग कॉलेज चली गई? हाँ कब की चली गई, वो तो बड़ी मेहनती बच्ची है मेरी। अरे ये बताओ कि कल रात को तुम कितने बजे आए? मैं तो खाना खाकर ऐसा सोई कि अब सुबह आँख खुली है मेरी। जी अम्मी मैं रात को थोड़ा लेट आया था, आया था आपके रूम में लेकिन आप सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा आपको। अरे हाँ वो जो अपनी कुलसुम है ना सामने वाली, उसकी दूसरी बहू के यहाँ भी बेटा हुआ है, बड़ी खुश नसीब है कुलसुम। मैं तो मुबारकबाद देने गई थी, दोनों बहुओं ने दो दो बेटे पैदा किए हैं। अम्मी ये तो अल्लाह की रजा है। वैसे अम्मी एक बात बताइए, जिस घर में बेटियां ज्यादा हो क्या वो घर खुश नसीब नहीं होता? अरे तेरे मुंह में खाक, हमारा ही घर रह गया लड़कियां पैदा करने के लिए, मुझे तो पहलोटी का बेटा ही चाहिए। तुम रुक क्यों गई, नाश्ता करो। मैंने कर लिया है, आप लोग करें। बीबी अब तुम बच्ची नहीं रही हो, ऐसी हालत में अपना ख्याल खुद रखा करो। अरे मेरा बेटा कब तक तुम्हारे नखरे उठाता रहेगा? अम्मी मैंने नाश्ता कर लिया है, दोपहर के खाने में क्या बनेगा बता दें। एक तो ये रोज रोज खाने का बड़ा मसला होता है भाई। अरे इतनी गर्मी है, कोई हल्की सी डिश बना लो, दाल चावल पका लो, क्यों बेटा सही है? अच्छा अम्मी मैं जा रहा हूँ, ऑफिस जाने को लेट हो रहा है। अरे बेटा नाश्ता तो पूरा कर लो। हाँ मैंने कर लिया, अल्लाह हाफिज। अरे वाह भाई, क्या तैयार किया जा रहा है? हाँ जो तुम्हारी पसंद की खाना बना रही हूँ। बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है यार, ऐसे है क्या? ओ वाओ, हटो यहाँ से। पसंद की, बस एक बात कहूँ? हाँ। तुम बहुत अच्छी बेबी साबित होगी। हाँ हाँ, मैं गर्मी में तुम्हारे लिए खाने बनाती रहूँ और तुम्हारा इंतजार करती रहूँ, तुम खाने खाओ आराम से। अच्छा चलो मैं तुम्हें कल अपने साथ लेके चलूंगा। कहाँ? डिनर पे, चलो ना। अरे नहीं बाबा, अपने घर। घर? घर क्यों? अरे बाबा इसमें सवाल जवाब करने वाली क्या बात है, वो तुम्हारे मामू का भी तो घर है। हाँ वो तो है, लेकिन तुमने क्यों अचानक पूछा ना, तो मैंने सवाल कर लिया। बस एक बात बताओ, ऐसे कभी हो सकता है कि तुम बगैर किसी सवाल जवाब के मेरी बात मान लो? हाँ अच्छा बाबा चलो, मैं नहीं पूछती। शर्ट देगी तुमने? हाँ अच्छी लग रही है। मुझे अच्छी तरीके से याद है तुमने ये पिछले साल गर्मी में मुझे गिफ्ट करी थी। हाँ वैसे ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लगता है। और ज्यादा अच्छी तब लगेगी जब ये न्यू होगी। चलो मैं इस बार सैलरी पे तुम्हें एक और शर्ट गिफ्ट कर दूंगी। दैट्स ग्रेट, ये हुई ना बात। बस एक बात कहूँ, मैं तुम्हें थैंक्स नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि शादी के बाद ऑब्वियसली तुम्हें सारी चीजें सूट के साथ देनी है वापस। अब मुझे काम करने दो, वैसे तुम मक्खन बहुत लगाते हो। चलो ठीक है तुम बनाओ।
क्या हुआ तबस्सुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है मेरी, लग नहीं रहा लेकिन। अच्छा एक बात बताओ, अम्मी ने कुछ कहा? सुने, अगर हमारा बेटा नहीं बेटी हो गई फिर? तबस्सुम तुम अम्मी की बातों को इतना सीरियस मत लिया करो, तुम उनकी आदत से वाकिफ नहीं हो क्या? आप जानते हैं सब मेरे हाथ में नहीं है। पापा मुझे पता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा सुनो, बेटा हो या बेटी, हमारे लिए तो दोनों ही अहम है ना। इस हालत में ज्यादा टेंशन नहीं लेते, तुम्हारे लिए और बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। कहीं ये ख्वाहिश आपकी भी तो नहीं? हरगिज नहीं, मेरे लिए तो तुम और आने वाले मेहमान की जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। बस अम्मी की बातों को दिल पे मत लिया करो, परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। याद आया, कल हमें डॉक्टर सहर के यहाँ भी जाना है ना? शुक्र है आपको याद तो है। अरे बेगम आपकी बातों को भूल कैसे सकते हैं, दिल पे लिखती है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेडिसिन ले रही हो? क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। अम्मी आप मेरी फिक्र मत किया करें। कैसे ना करूं मैं तुम्हारी फिक्र, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इमरान पसंद है और इमरान भी तुम्हें पसंद करता है, अच्छा लड़का है, लेकिन लेकिन बेटा उसकी नौकरी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। अम्मी इमरान एक बहुत जहीन लड़का है और ऐसे लड़के एक जगह नहीं टिकते, आप देखना बहुत जल्द इमरान बहुत तरक्की करेगा। वो तो ठीक है, मगर आजकल उसका अपनी खाला के घर बहुत ज्यादा आना जाना शुरू हो गया है। उसकी खाला और बेटियां तो एक नंबर की, पता नहीं अल्लाह ताला ने उन्हें क्या खूबसूरती दे दी कि अपने हुस्न में चूर हैं वो। अम्मी ये बात आपको किसने बताई? अरे बेटा ये बातें छुट्टी थोड़ी है, एक ही खानदान और बिरादरी की तो बात है, और अगर बेटे का रुझान बहन की बेटियों की तरफ हो गया ना तो वो खुशी खुशी राजी हो जाएंगी। अम्मी अब आप मुझे डरा रही हैं। अरे मैं तुझे डरा नहीं रही हूँ, वक्त से पहले मैं तुझे समझा रही हूँ। अम्मी मैं सोचती हूँ इस बारे में, आपको पता है इमरान मुझे अपनी तरफ लेके जाने के लिए कह रहा था। तो चली जाना, ये तो अच्छा है। लेकिन अम्मी वहाँ जाके मुमानी की चापलूसी और उनकी बेटी की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसे लोगों को मैं जूती की नोक पे रखती हूँ, वो तो बस इमरान की वजह से बर्दाश्त कर लेती हूँ। बेटा शादी तो होने दे, माँ बेटी को फौरन ठिकाने लगा देना, अभी तो तुम्हें इमरान के सामने बहुत मीठा बनना है। सही कह रही हैं अम्मी आप। अच्छा ये बताएं आपके लिए चाय बना के लाऊं? जल्दी से बना लो, बहुत सर में दर्द हो रहा है। कैसी हो आप? हाँ बस ठीक, बेवक्त कॉल क्यों की? क्या मतलब बेवक्त फोन किया? बस हम कुछ मसरूफ थे। अच्छा अगर तुम्हें कोई खास बात नहीं करनी तो खुदा हाफिज। हाँ जाहिल लड़की, एक बार मुझे उस घर जाने तो भाभी बन के, देखना इसके दांत ना तोड़ दूं तो मेरा नाम भी जहन ही नहीं। बेचारा इमरान जो कमाता है लाके अपनी माँ की हथेली में रख देता है, दोनों माँ बेटी ने पागल बनाया हुआ इसे, अपने लिए तो एक भी कपड़े ढंग के नहीं खरीदता, एक बार जाने तो दो मुझे इस घर। अमी हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं, तबस्सुम की तबीयत ठीक नहीं थी, कह रही है दिल घबरा रहा है, तो मैं जरा ड्राइव पे लेके जा रहा हूँ। भाई दिल तो मेरा भी बहुत घबरा रहा है, मैं भी साथ चलूं? अम्मी बल्कि आप भी चले ना, बहुत मजा आएगा। भाई मैं तो ब्रोस्ट खाऊंगी बाहर जाके। जैनी हम लोग तो खाना खा के जा रहे हैं। तो क्या हुआ, हम कौन सा भी वापस आएंगे, मैं 2-3 घंटे बाद ब्रोस्ट खा लूंगी। ठीक है चले ना अम्मी, उठे देर हो रही है। चलो ठीक है अब बेटा हम तैयार होकर आते हैं। जी जी चलो आ जाए।
ये लो। क्या बात है तबस्सुम, तुम इतनी खामोश क्यों बैठी हो? मेरे सर में दर्द है। ये तुम्हारे सर में दर्द आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं होने लगा, या मेरी माँ और बहन तुम्हारे सर का दर्द बन गई हैं? मैंने ऐसा कब कहा? यही तो मसला है कि तुम कुछ कहती नहीं हो बल्कि अपने रवैये से सब कुछ बता देती हो। अम्मी ठीक ही कहती हैं कि तुम्हें उनसे और डैनी से कोई उनसियत ही नहीं है। पूरी गाड़ी में अंदर तुम खामोश बैठी हुई हैं और यहाँ पे भी सबसे अलग थलग कर खामोश बैठी हो, जैसे तुम हमारे साथ हो ही नहीं। मैं इनकी गुफ्तगू का हिस्सा कैसे बन सकती हूँ? इन्हें बेटे की ख्वाहिशें और बेटे की ख्वाहिश पूरी करना मेरे अख्तियार में तो नहीं है। तबस्सुम क्या हुआ अगर अम्मी ने एक बात कह दी? तुम हर बात का बतंगड़ क्यों बना लेती हो? एक ही नंद है तुम्हारी, अगर दो तीन होती तो क्या होता? मैंने तुम्हें हजार दफा समझाया है कि अम्मी जबान की तेज है लेकिन दिल की बुरी नहीं है, लेकिन तुम्हों के कुछ समझ ही नहीं आता। मैं अम्मी के पास से आ रहा हूं, खा लेना ये। सुने, आज मुझे अम्मी के घर छोड़ दे। हाँ हाँ तैयार हो जाओ, छोड़ देता हूँ। अरे आज तो मैंने जैनी को मामू के घर भेजा है, वैसे भी वो कहाँ जाती है? मैंने ही उससे कहा कि जाओ चली जाओ, खैर खैरियत लेकर आ जाओ। तुम ऐसा करो इसको कल भेज देना। हाँ अम्मी जैसा आप मुनासिब समझे। तबस्सुम तुम कल चली जाना, कोई मसला तो नहीं है ना? जी। तुम तो रुको नाश्ता करो, इन दिनों ऐसा ही होता है। वैसे जैनी ना जूस बना के फ्रिज में रख कर गई है, मैं इसे थोड़ी देर बाद कह दूंगी तो ये पी लेगी। हाँ अम्मी बस आप ख्याल रखा करें इसका। नहीं तुम्हारे कहने से ख्याल रखूंगी। अरे दिन रात तुम इसका ख्याल रखती हूँ, और तुम्हारी बीवी है कि मिजाज ही नहीं मिलते इसके। अच्छा आप नाराज मत हो, नाश्ता करें, चाय ठंडी हो रही है आपकी। सारा मूड खराब कर देते हो। इसमें मूड खराब होने वाली क्या बात है? अस्सलाम मुमानी। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसे यहाँ का रास्ता भूल गई तुम? मुमानी मैं आपके लिए कुछ लेकर आई थी, और मैंने सोचा आपसे मिल भी लूँ इसी बहाने। ये कैसा रंग ले आई तुम? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तुम्हारी माँ 5 साल बड़ी है, वो भी ये पसंद नहीं करेगी कलर। मेरा ही दिमाग खराब था जो इन माँ बेटियों के लिए इतना महंगा सूट लेकर आ गई। ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि इनको कोई महंगी चीज दी जाए। छोरे नम्मी आप जानती हैं जैनी की चॉइस कैसी है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बेटा तुम आ गई, इसने कपड़े धोए हैं, बेचारी बहुत थक गई है, ऊपर जाके कपड़े फैला दो। जाओ शाबाश, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है अरे अम्मी अच्छा तो है ये देख। हाँ अच्छा है, मुझे नहीं अच्छा लगा। मेरा मेकअप, मेरे कपड़े सब खराब हो जाएंगे, पर इमरान के लिए मुझे ही करना चाहिए। देख लेना शादी के फौरन बाद इमरान को यहाँ से लेके चली जाऊंगी, फिर देखना दोनों माँ बेटी की अकल ठिकाने लग जाएगी। अरे भाई क्या बात है, आज चांद खुद जमीन पे उतर आया। भाई किस गलतफहमी में है आप, दिन में चांद कहाँ से नजर आ गया? क्या हो गया?
घर आए हुए मेहमान के साथ कोई ऐसे बातें करता? अच्छा खासा मेकअप करके आई थी, अम्मी ने आते साथ काम पर लगा दिया। अच्छे अच्छी खासी धूप से आया हूँ, एक गिलास पानी मिलेगा? वैसे तो यहाँ मेहमान बन के मैं आई थी, लेकिन अब तो तुम सारे मेहमान बन गए हो। अरे पापा क्या हो गया, अगर अपने होने वाले ससुराल में कुछ काम कर लिए तो कुछ होगा थोड़ी। वैसे एक बात बताऊं, आज खूबसूरत लग रही है। बस कर दो, ज्यादा झूठ मत बोलो। सुबह से काम कर करके थक गई हूँ, पसीने में हो गई हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अरे सच में मेरी कसम, एक बार मेरी आंखों से तो देखो, हर रूप में खूबसूरत लगती हो। ज्यादा ना मक्खन मत लगाओ मुझे। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि मेरे लिए कुछ लेके आई हो? हाँ लाई हूँ, मगर तुम्हें दूंगी नहीं, मैं दूंगी घर जाके। हाँ यार मैं तो भूल ही गया था, चलो फिर एक काम करेंगे ना, मैं तुम्हें अभी घर छोड़ूंगा, फिर तुम मुझे दे देना। वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, मैं दाद दूंगा। चलो शुक्र है, कोई तो मेरी पसंद की तारीफ करेगा। वड्डा मुमानी को लाके गिफ्ट दिया है मैंने, उन्होंने तो मुंह पे बेइज्जती कर दी कि बहुत बुरा लाई हो। ओ वाओ, मतलब ये कि तुम अम्मी के लिए सूट लेके आई थी। अच्छा जनाब, होने वाली सास का दिल जीतने की कोशिश की जा रही है। बस यार अच्छा नहीं होता तुम अगर एक सूट हेला के लिए भी ले आती। अच्छा ठीक है, बुरा तो नहीं मनाओ यार। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ भाई, अम्मी बुला रही है, उनको मार्केट जाना है। अच्छा सही है भाई, माँ बेटे निकल गए, मैं यहाँ कपड़े धो। भाभी क्या बनाया दोपहर के सालन में, मुझे बहुत भूख लगी है, दो रोटियां डाल दें। तुम खाना नहीं खा कर आई? खाना नहीं खा कर आई हूँ, तभी तो कह रही हूँ कि दो रोटियां डाल दें। जरा सा काम बोल दो अपने लिए तो आपके लिए तो मुसीबत हो जाती है। अम्मी अम्मी, रे रे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? अम्मी भाभी से मैंने दो रोटियां डालने के लिए बोल दिया तो इतनी बातें मुझे सुना रही है कि मामू के घर से खाना क्यों नहीं खा कर आई। रैनी क्या बात है, क्यों चीख रही हो इतना? भाई आप ऑफिस आ गए? हाँ मैं आ गया, लेकिन तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? तबीयत ठीक नहीं है तो बस, उनकी कुछ कह दिया होगा इसी वजह से उसने। मुझे नहीं पता था कि इनकी तबीयत खराब है, ना इन्होंने मुझे बताया। मैंने जरा सा दो रोटियां डालने के लिए बोल दिया तो मुझे बातें सुना रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको मेरा यहाँ रहना ही नहीं पसंद। सैनी ऐसा क्या कह दिया मैंने? सैनी चल तू अपने कमरे में जा, तेरे लिए दो रोटियां डालना मुझ पर कोई भारी नहीं है, अभी पका के देती हूँ मैं। नहीं अम्मी आप रहने दें, मैं खुद कर लेती हूँ, आप जाएं। आ गई मेरी याद, बहुत दिनों बाद अपनी शक्ल दिखाई। अच्छा अगर तुम्हें मेरी याद आ रही थी तो कॉल करके पूछ लेती, खैरियत मालूम कर लेती। मैं क्यों पूछती, उस दिन तुम अपनी माँ के साथ कैसे चले गए, तुमने सोचा कि मैं घर किस तरह जाऊंगी? अरे यार मैं क्या करता, मुझे क्या पता था वो एकदम से काम बता देंगी। बस सही है, मैंने भी सोच लिया आज के बाद ना मैं तुम्हारे घर में कभी भी कदम नहीं रखूंगी। अरे 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 क्या हो गया, तुम वाकई में नाराज हो मुझसे? यार तुम्हें पता है वो लोग जाहिल लोग हैं और तुम उनके साथ खुद भी जाहिल बन रही हो। यार मैं तो खुद उनसे जान छुड़ाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आके थोड़ा टाइम साथ बैठता हूँ ताकि रिलैक्स हो जाऊँ, और तुम यहाँ पे नाराज बैठी हो। सच कह रहे हो ना तुम? सच्ची यार 100% तुम्हारी कसम। चाहिए ये बताओ तुम जॉब क्यों छोड़ रही हो? बस मुझे अब कोई अच्छी और नई जॉब करनी। फिर कर ली तुमने जॉब? क्या तुम्हारे पास अच्छा खासा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तुम कोई एकेडमी क्यों नहीं खोल लेती? मैं तुम्हारा साथ दूंगा, दोनों मिलकर चलाएंगे, अच्छा खासा मौका है तुम्हारे पास, दोनों अलग घर कर लेंगे और सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं। वैसे तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो। ठीक ही कह रहा हूँ, इस बारे में सोचना जरूर। ये बताओ मेरे लिए गिफ्ट लेके आई हो? हाँ लाई हूँ, तुम रुको मैं भी लेके आती हूँ।
अरे बेटा बहुत मेहनत तलब काम है, अकेले नहीं कर पाओगी, क्यों उतना बखेरा फैला रही हो? अम्मी मेरी कुछ सहेलियां हैं, उन्हें साथ ले लूंगी, और वैसे भी इमरान तो मेरे साथ होगा। अच्छा तो ये पट्टी उस बक्का लड़के ने पढ़ाई है तुम्हें? जैनी मैंने कितने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे थे तुम्हारे लिए, और तेरे हवास पर वो मनहूस और उसका ढाई मरले का घर सवार है, जिस पर उसकी माँ बहनें दंदनाती फिरती हैं। होश के नाखून लो कुछ। ओहो अम्मी पता नहीं आपको इमरान से क्या बैर है, आपको तो उसकी हर बात झूठी लगती है, हालांकि वो कितना मुखलिस है हमसे। क्यों तुमने इसके दिल में झांक कर देखा है क्या? पहले वो तुम्हारी मोहब्बत ही मैंने बर्दाश्त कर लिया, उसे बेटा कहते कहते मेरा मुंह नहीं थकता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। अब भी मान जाओ वक्त है, रजिया ने इतने अच्छे अच्छे रिश्ते बताए मुझे। पता नहीं अम्मी आपको बैठे बिठाए इमरान झूठा क्यों लगने लगता है, मैं आपको बता रही हूँ मैं शादी सिर्फ उसी से करूंगी। अच्छा ये बताओ कि इमरान कमाता कितना है, क्या तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी कर देगा वो? अम्मी तो मैं बोल तो रही हूँ मैं इंस्टीट्यूट खोलूंगी। वाह बेबी वाह, कितनी भोली बच्ची है मेरी, यानी कि मेहनत सारी तू करेगी और दौलत पे ऐश वो लोग करेंगे। वाह बेटा वाह, क्या सोच है तेरी? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है, मैं कौन से मामू और मुमानी के साथ रहूंगी? क्या क्या पट्टी पढ़ा दी है इसने मेरी इस बेवकूफ बेटी को, अल्लाह ही रहम करेगा इसके ऊपर। तो तबसुम की तबीयत खराब हो रही है, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ इसे। मैं भी चलती हूँ बेटा। नहीं नहीं आप बैठे हैं, तबसुम की अम्मी हॉस्पिटल पहुँच गई है बस। अच्छा ठीक है बेटा, देख भाल के जाना और मुझे फौरन फोन करके बताना और बेटे की खुशखबरी देना। बड़ी आस लगाई है अल्लाह, बहुत दुआ कर रही हूँ। दुआ में याद रखिएगा। हाँ हाँ अल्लाह चांस है बेटा देना। हेलो अमित, अमी मुबारक हो आप दादी बन गई हैं। सच हो गया बेटा? अल्लाह ताला ने एक प्यारी सी बेटी से नवाजा है, गुड़िया आई है हमारे घर में, गुड़िया। बेटी? मगर मैंने तो बेटे की आस लगाई थी, मैंने सोचा था कि बेटा होगा तो मेरे बेटे अयाज का बाजू बनेगा, इस मनहूस तबस्सुम से तो हमें खुशी मिल ही नहीं सकती। अमित जो अल्लाह ताला की देन हो। अमित प्लीज खुशी के मौके पे ऐसी बातें मत करें, और अमित मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी बीवी और मेरी बेटी के बारे में आइंदा ऐसी बातें मत कीजिएगा। हेलो हेलो अयाज, काट दिया फोन। ये वही बेटा है जो माँ की हाँ में हाँ मिलाता था, सत्यानाश जायज तबस्सुम का, मेरे बेटे को मुझोर बना दिया इसने, शेर जवान जैसा बेटा मेरा कैसा बीवी के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। तो क्या सोचा था क्या हो गया? अरे नहीं मुमानी, सबके जाओ। अरे अयाज तुम्हारी बीवी नजर नहीं आ रही, महके गई भी है क्या? अरे मुमानी जान हाँ वो महके गई भी है, दो चार दिन में ले आऊंगा उन्हें मैं। अच्छा अकेडमी कैसे चल रही है तुम्हारी? अच्छा चल रही। अच्छा भाई की तबीयत कैसी है अब? तुम तो जानती हो जब से ये बिस्तर को लगे हैं ना तो बेचारी सारी जिम्मेदारी जो है ना इमरान के कंधों पर आ गई है, इसलिए आज खुशी के मौके पर मैं उनके साथ नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ अपने बेटे के लिए। हाँ भाभी भला हमें क्या एतराज़ हो सकता है? मुमानी जान हमें थोड़ा टाइम दे दें, हम आपस में मशवरा करके आपको जवाब दे देंगे। हाँ हाँ ज़रूर बिल्कुल आराम से मशवरा करो।
मुझे तो गुमान ही नहीं था कि भाभी अपनी जैनी के लिए इतनी चाह से रिश्ता लाएंगे। अरे अम्मी, तो हमारी जैनी में भी कौन सी कमी है, खानदान की सबसे पढ़ी लिखी लड़की है और सैलरी भी उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। गुमानी को और क्या चाहिए अपने उस निकम्मे लड़के के लिए। आए हाय, निकम्मा क्यों होने लगा, खुदा ना खास्ता अच्छा खासा कमाता है और फिर मिलनसार होशियार भी है। अम्मी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, बहुत ही बातूनी और चर्ब जबान इंसान है वो। खवातीन ऐसे लोगों से बहुत जल्दी मुतासिर हो जाती हैं। वैसे अम्मी एक बात बताइए, साल दो साल से ज़्यादा कहीं टिककर उसने मुलाजमत की है, और ना ही उसमें कोई ऐसी काबिलियत है कि उसके मुस्तकबिल के बारे में हम अच्छी उम्मीद रखें। बेटा, अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं, इतनी गुण वाली लड़कियाँ शादी के आस में अपनी उम्र गुजार देती हैं, और फिर हमारा तो घर का बच्चा है, देखा भाला है। अम्मी, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि इमरान ही क्यों, सैनी के लिए तो और भी बहुत अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। तो मैंने कौन सी फौरन हाँ कर दी, वक्त मांगा है उनसे। अम्मी, वक्त आपने नहीं, मैंने मांगा है। आप तो मुमानी जान पे ऐसे निछावर हो रही थी जैसे जैनी का बोझ आपके कंधे से उतर रहा हूँ। शादी के बाद भाई कितना बदल गया है ना, उन्हें जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं है। उसे क्या पता कि इस रिश्ते में तुम्हारी मर्जी शामिल है। आपकी बहू ना घुन्नी है घुन्नी, उसने भाई को नहीं बताया होगा इमरान के आने की बात। हाँ, वो तो चाहती नहीं है मेरी शादी हो, फ्री फंड की नौकरानी जो मिली हुई है उसे काम करने के लिए, तभी तो इमरान जैसे हीरे बंदे में इतनी गलतियां निकालती रहती है। अच्छा अच्छा, बस रहने दो, अब ऐसा हीरा भी नहीं है वो जो बुराई ना निकाले। देखा अम्मी, आ गई ना आप भी भाई की बातों में, मुझे तो शुरू से ही पता है कि आपको मुझसे ज्यादा भाई से प्यार है। फुजूल की बातें मत करो, अयाज ने जो कुछ भी कहा है ना बिल्कुल सच कहा है, और सच्ची बात तो यह है कि अगर तुम्हारा ध्यान इमरान की तरफ ना होता ना, तो इस रिश्ते को करने में मैं 1000 बार सोचती। क्या खराबी है इमरान में, क्या वो किरदार का खराबी है, कोई नशा करता है। अरे अकल की अंधी, इमरान कमाता क्या है, 3-3 लोगों का बोझ उठा रहा है वो, उसका घर देख और अपना घर देख। भाई ने तुझे शहजादियों की तरह रखा है, गाड़ियों में घूमती है, उसके पास तो एक बाइक तक नहीं है। अम्मी, मेरी एकेडमी चल गई है ना, हम दोनों मिलके एक नया घर ले लेंगे। देखो जैनी, अभी भी वक्त है, सोच लो, घर बनाना इतना आसान नहीं है, अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है घर बनाने के लिए। तो आप भी मेरी बात सुन ले, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इमरान से, उसके अलावा किसी से नहीं। क्या जरूरत थी इसकी? अरे मैं पी ले जाए। वैसे तुम्हारी सास नंद को ना मुझे सलाम दुआ तक करना गवारा नहीं हुआ। अम्मी, आप तो जानती हैं ना, ये लोग तो हैं ही ऐसे। मैं तो ये पछताती हूँ अम्मी, काश मैं इतना जहेज नहीं लेकर आती, कुछ रकम हाथ में ले आती, रकम होती तो मैं एक अच्छा सा घर ले सकती थी अभी। तू अपना दिल छोटा मत कर, अभी दिन ही कितने हुए हैं शादी को, बस यहाँ मजबूती से कदम जमाने की कोशिश कर। अम्मी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, थक गई हूँ मैं, मेरा दम घुटता है इस घर में। अरे क्यों फजूल बातें कर रही है, थोड़ा वक्त लगता है, अच्छे दिन भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। बस तू ना अपने और इमरान के रिश्ते को मुट्ठी में कर, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों से। अगर एक बार भी तू दब गई ना, तो सारी ज़िंदगी इनसे दबती रहेगी, सर नहीं उठा पाएगी। ठीक कह रही अम्मी आप। अच्छा चल, चाय पी ले, ठंडी हो रही है। तुम्हें एक दफा की बात समझ में नहीं आती, 10 बार बोले कि बर्तन धो के सोया करो, ऐसी कैसी छोड़ देती हो। कोई आफत आ गई, अगर रात के बर्तन मैं सुबह धो लूंगी तो आपको क्या मसला है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, बड़ों से कैसी बात की जाती है, बदतमीज।
हाँ तो क्या हुआ? माँ है, जब बच्चे बदतमीजी करते हैं तो माँ हाथ भी उठा सकती है। पहली बात तो यह है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, दूसरी बात वो मेरी माँ नहीं, मेरी सास है। हाँ वो तो पता है, तुमने उन्हें माँ तस्लीम किया ही कब है? ये बताओ कि कोचिंग कब ज्वाइन करोगी? हाँ इतने दिनों से नहीं जा रही हो, कुछ एहसास है तुम्हें? अगर एकेडमी नहीं जाओगी ना तो स्टाफ के ऊपर ध्यान नहीं रख सकती और ना हमारी आमदनी बढ़ सकती है। जाओ वहाँ जाकर अपना टाइम लगाओ, और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हमें कारोबार में लॉस हो। तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारे घर में मेरे साथ क्या हो रहा है? और तुम्हें अपनी आमदनी की पड़ी है, मेरी कोई फिक्र नहीं है ना तुम्हें? ओ जाहिल औरत, जब एकेडमी जाओगी ना तो सुबह की निकली शाम को वापिस आओगी, घर पे रहोगी तो दंगे फसाद होंगे। ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? उसी तरह, सिर्फ तुम मेरी माँ और बहन से बात करती हो तब तुम्हारी अखलाकियात कहाँ चली जाती है? हाँ तब किधर चली जाती है? एक बात याद रखो, मेरा दिमाग खराब मत करना, वैसे भी शादी के बाद मैं कर्जों तले दबी हूँ। एक बात तुम भी याद रखना, मैं तुम्हारा कर्जा नहीं निपटाऊंगी। उधार तो तुम्हें भरने ही पड़ेंगे, देखो मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं, समझी? अम्मी? हाँ क्या हुआ? तुम बताओ क्या काम है बेटी? क्या हुआ? आप मुझे कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रही हैं, क्या बात है? जैनी की वजह से परेशान हूँ। अयाज ने ठीक कहा था कि इमरान जैनी के काबिल नहीं। अब सोचती हूँ कि आया से कैसे आँख मिलाऊं? आप हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा, और वैसे भी ज़ैनी माँ बनने वाली है, क्या पता बच्चे के बाद इमरान ठीक हो जाए। वो बहुत लालची इंसान, ऐसी हालत में मेरी बच्ची से काम करवा रहा है, और ससुराल वाले उसकी सास नंद बस एक ही जिद लगाई हुई है कि बेटा चाहिए बेटा चाहिए। आप परेशान मत हो, मैं आयास से बात करूंगी, वो ऐनी को घर ले आएंगे और इमरान को भी समझाएंगे। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, आज अपनी बच्ची के साथ हो रहा है तो मुझे एहसास हो रहा है। आप मुझसे माफी मत मांगेंगे प्लीज। तुम बहुत खुश नसीब हो कि अयाज इमरान जैसा नहीं, इसीलिए तो कहते हैं बेटी का नसीब अच्छा होना चाहिए। हेलो, क्या कौन से अस्पताल में है ज़ैनी? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ? अस्पताल गया तो? मैं पागल हूँ जो वहाँ जाता, अगर अस्पताल जाता ना तो आज मेरा गिरबान पकड़ लेगा। अरे मैंने तुझे मारने के लिए कहा था, मगर इतना भी नहीं कि अपना बच्चा ही मार दे। अरे अम्मा वैसे भी ज़ैनी कौन सी मुझे कुछ देती, बेटी पैदा करती ना जो हमें चाहिए नहीं थी, और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया उसे तलाक देने का। कैसी बात कर रहे हैं, घर का खर्चा कैसे चलेगा? अम्मा खर्चा चलेगा नहीं, दौड़ेगा। दौड़ेगा? कोई लॉटरी लग गई क्या? हाँ बस ऐसा ही समझे। माँ को नहीं बताएगा? दरअसल बात यह है अम्मा, जहाँ मैं जॉब करता हूँ ना वहाँ की बॉस मुझको लाइने करा रही है, और सबसे अच्छी बात यह कि वो बहुत बड़ी आसामी है। दुबई से आना जाना तो ऐसे करती जैसे कि बराबर महल्ले से जा रही है, बस उसको घेरने में लगा हूँ।
तो ये बता वो इस घर में आएगी क्या? एक तो अम्मा तुम छोटा ही सोचना, अरे वो इस घर में क्यों आएगी, हम बड़े घर में जाएंगे। वैसे तू जो है ना बड़ा छुपा रस्म निकला। आखिर बेटा आप कहीं शरारती। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा, और कितना रोएगी, मेरा कलेजा मुंह को आता है। अम्मी, अम्मी मैंने बहुत बड़ी गलती की, आप और भाई मुझे हमेशा समझाते रहे लेकिन मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। आज मेरा बच्चा, पैसे कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। देख लेना अल्लाह की लाठी बे आवाज है, उन लोगों का भी यही हशर होगा। अम्मी उनका जो भी हशर हो लेकिन मैं तो बर्बाद हो गई ना, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले मर गया और अब तलाक का दबा, मैं क्या करूं अम्मी, मैं क्या करूं। मेरी बच्ची हौसला रख, हौसला रख, तो अल्लाह का शुक्र है कि तेरी जान छूट गई, अगर वो तुझे जान से मार देता तो मैं कहां जाती। सही कह रही है अम्मी सैनी, और तुम ऐसे कब तक रोती रहोगी, वो मस्त है अपनी जिंदगी में, तुम भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। मैं कैसे बढ़ाऊं, कैसे बढ़ाऊं वो यादें, ये तलाक, ये सब मुझे नहीं जीने देंगे, नहीं जीने देंगे मुझे। चंदा हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बहुत शुक्रिया अम्मी, वो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, इमरान को उसकी नई बीवी जो कि उसकी बॉस भी थी, उसने खुद उसको पुलिस में पकड़वा दिया। लेकिन क्यों? अम्मी उसको पता चल गया था कि इमरान एक लालची शख्स है, वो अमीर लड़कियों से शादी करके पैसे बटोर के उनको तलाक दे देता था। देखा बेटा, पहले कहा था ना कि अल्लाह की लाठी बे आवाज है, दुनिया में ही अल्लाह ताला उसको उस बता देता है कि क्या गलत कर रहा है और क्या सही, उसको यहीं पे सजा मिल जाती है। बस बेटा देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन मेरी बच्ची, बस अब रोना बंद कर और अपनी नई जिंदगी का आगाज कर, सब कुछ भुला दे, कुछ नहीं हुआ तेरे साथ, सब कुछ भुला दे मेरी बच्ची। हम अभी भी तुम्हारे साथ, फिकर नहीं कर। अम्मी अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, भाभी भाभी मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया लेकिन आप बहुत अच्छी हैं, मुझे माफ कर दे भाभी। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह समझा है, मैं तुम्हें ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। मेरा भाई अली अमेरिका से पढ़कर वापस आ गया है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरी भाभी बनोगी। ये क्या कह रही हो बेटी, पर अली। अम्मी मैं अली को सब बता चुकी हूँ, वो तो शुरू से जैनी को पसंद करता था, वो तो उसका रुझान इमरान की तरफ देखकर मैं खामोश हो गई थी, वो तो अब भी इसको अपनाना चाहता है। मेरी बच्ची मेरी लाल, देख अल्लाह ने तुझे कितना अच्छा अजर दिया, बस कर बस।